खुशी मनाना हर एक शख्स के लिए बायसे मुसर्रत भी है और सरूर और राहत का जरिया भी है। फितरी तौर पर हर शख्स का दिल खुश रहने पर करता है और खुशी मनाना एक फितरी ख्वाहिश भी है। मुख्तलिफ माशरे, मुख्तलिफ अकवाम अपने कुछ कौमी त्योहारों के जरिए खुशियां मनाती हैं। हर तौर पे ऐसा रहा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से अबू दाऊद में एक वाक्या आता है कि हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों को दो मौकों पर त्योहार मनाते हुए देखा, यानी वो उसमें खेल तमाशा करते थे और वो त्योहार मनाते थे, दो त्योहार मनाते थे। तो रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये जो तुम त्योहार मनाते हो ये क्या है। क्या है का मतलब था कि ये इसकी तारीखी पस मंजर क्या है और तुम क्यों मनाते हो। तो मदीना के लोगों ने बताया कि ये हमारे आबाव अजदाद इसी तरह मनाते थे और हम अपने आबाव अजदाद की दौरे जहलियत की पैरवी में हम इसको ऐसे इसी तरह मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुभान व तआला ने इन दो त्योहारों के बदले तुम्हें दो त्योहार दिए हैं और ये दो त्योहार ईद उल फितर और ईद उल अजहा है और यही हमारे दीनी और शरई त्योहार हैं। इन्हीं को जौक और शौक से रिलीजियस फर्वर और जज्बे के साथ मनाना हमारी शरीयत का मुतालबा भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हमारे ईमान और इस्लाम का तकाजा भी है। लेकिन आपने बसा अवकात देखा होगा कि आज कुछ लोग ईद को एक यकसानियत और मोनोटोनस और बोरिंग सा इवेंट कहते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं ईद तो बिल्कुल बोर ही गुजरती है, क्या ईद होती है, कुछ थोड़े से कपड़े पहन लिए और जी फिर उसके बाद कुछ सेवैयों की खीर खा ली या गोश्त खा लिया और बस दैट इज ऑल व्हाट्स अबाउट ईद एंड कुछ इसमें कोई खास चीज नहीं है। और इसके मुकाबले में लोग बहुत जौक और शौक से और बहुत एक्टिविटी के साथ और बड़े वलवले के साथ हनूद और यहूद के त्यौहार बनाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो न्यू ईयर है, चाहे वो होली है, बसंत है। हालांकि अल्लाह सुभान तआला ने हमें सूरह काफिरून में बड़ी वजाहत से फरमा दिया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हें क्या अनाउंस करना है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़ाब्ता हयात है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी गमियां, तुम्हारे त्यौहार, तुम्हारे जिंदगी के तरीके हैं, हमारे लिए हमारी सकाफत मईशत तमद्दुन है, तो इसी तरह हमारे त्यौहार भी हमारे लिए। और वैसे भी आप देखें कि हमारे ये दो त्यौहार हमारे लिए खुशी का मौका किस हवाले से हैं कि मोमिन की जिंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है। एक इमाम ने कहा ना कि मेरी जिंदगी में मेरी ईद का दिन वो होता है जिस दिन मुझसे अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम ना हो, यानी जब सारा दिन अल्लाह की फरमाबरदारी और अतात की हालत में गुजरता है तो मेरे लिए मेरा वो ईद का दिन होता है। और मोमिन के लिए मोमिन की सबसे ज्यादा खुशी का मौका क्या है कि वो कि उसका रब उसे राजी हो जाए, कि उसका रब उसके गुनाह बख्श दे। तो इन दो त्योहारों के पस मंजर में बख्शिशी का तो मामला है। ईद उल फितर से पहले एक मुसलमान ईद उल फितर से पहले मुस्लिम और मोमिन क्या करता है, पूरा रमजान का महीना अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की अतात के लिए, जन्नत के हसूल के लिए अल्लाह की रजा के लिए, जन्नत के हसूल के लिए पूरा महीना तकवे की हालत में रोजे रखता है और फिर अल्लाह सुभान व तआला से क्या वादा हासिल करता है। हदीस का वादा है ना, मन सामा रमजान ईमान वाहतसाबन फ़कत गुफिर लहुमा तकदमा मिन ज़म्बिही, मन कामा रमजान, उधर कामा है इधर सामा है कि जिसने ईमान की हालत में रमजान के रोजे रखे और उसने उसने क़याम किया तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और इसी तरह अगर ईद उज़ुहा की बात हो तो उसमें भी क्या है, ये अशरा ज़िलहज और अशरा ज़िलहज की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए उम्मत के सारे अफराद रातों को इबादत करते हैं, दिन में ये नौ रोजे रखते हैं, कसरत से अल्लाह की तकबीरात, अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई की तस्बीहात और तकबीरात पुकारते हैं और हर नेकी का काम करते हैं तो गुनाहों की बख्शिश।
योमे अरफा 9 जिलहज का रोजा गोया एक पिछले साल और एक अगले साल के गुनाहों की बख्शिश उनको मिलती है। तो यही है वो ईद के दिन का पस मंजर के रमजान के रोजों के कयाम और रोजों के बाद और अशरा जिलहज की इबादत और रोजों के बाद जब मोमिनीन को रब की रजा मिलती है और अल्लाह की तरफ से गुनाहों की बख्शिश के परवाने मिलने का इम्कान होता है, तो यही उनकी खुशी का दिन होता है और यही उनकी त्यौहार की बुनियाद। और फिर ईदगाह से पलटते वक्त भी उनकी गुनाहों की बख्शिश उनको जो दिख दी जाती है, तो यही तो त्यौहार है और यही तो खुशी का दिन है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये दिन जो अनकरीब आने वाला है इंशाल्लाह, आज जिलहज की पहली तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें से कसीर तादाद जो है वो रोज़ों की हालत में है। अल्लाह सबके अमल भी कबूल करे और सबके जिक्र और तस्बीहात भी कबूल करे और इसको हमारी गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी बनाए। तो ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें, इस पर बात होगी ताकि हमारी ईद भी पूरी की पूरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरे। ईद के दिन गुस्ल, लिबास और खाने पीने का तरीका, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलता है कि ईद के दिन आप गुस्ल करते थे, हत्तुल इम्कान पाकी और तहारत का अहतमाम करते थे, मिसवाक करते थे और खुशबू लगाते थे, और ये खुशबू का लगाना मर्दों के लिए खास है। और फिर ये अमल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरे उजले और आपके लिबास में जो बेहतरीन उम्दा लिबास होता था उसको जेबे तन करके आप ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते थे। खास तौर पे ईद के लिए नया लिबास सिलवाना या बनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित नहीं और ना ही कहीं हदीस में इसकी ताकीद है। जो बेहतरीन लिबास है उसका साफ सुथरा उजला और बावकार होना जरूरी है। इब्ने माजा में हसन हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला की रवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इस रोज यानी जुमे के रोज को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा जो शख्स जुमे के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे, खुशबू मुयसर हो तो खुशबू लगाए और मिसवाक भी करे। ईद के दिन खाने के मामूल, ईद उल फितर के दिन चूंकि पूरा रमजान मुसलमानों ने रोजे रखे हैं, तो ईद उल फितर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप कोई मीठी चीज तनावुल फरमाते थे। और हमें हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ऑड की अदद में यानी 3 या 5 या 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तनावल फरमाते थे, और अगर खजूरें ना हो तो कोई और मीठी चीज़ या शरबत वगैरह भी लिया जा सकता है। और ईद उल अज़हा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत खास थी कि आप कोई चीज़ खाए बगैर तशरीफ ले जाते थे। ईदगाह की तरफ जाने और आने की सुन्नतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित था कि आप पैदल ईदगाह तशरीफ ले जाते थे। और पैदल जाने में खास हिकमत यह है कि जब इंसान पैदल जाता है तो सवारी पर होने की बनिस्बत पैदल जाते हुए रास्ते में लोगों के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा है और सफर भी जरा लंबा होगा तो तकबीरात भी ज्यादा पकारने का इम्कान है। तो आप पैदल तशरीफ ले जाते थे, आते जाते वक्त तकबीरें पुकारते थे और आते जाते वक्त रास्ता बदल देते थे। कुछ हदीस देखें, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला की रवायत से इब्ने माजा में हसन हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ईदगाह जाते थे और पैदल ही तशरीफ लाते थे। और इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला खुद क्या करते थे कि वो ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ ले जाते थे और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते थे, फिर ईदगाह में भी तकबीरें कहते रहते थे, यहां तक कि जब इमाम खुतबे के लिए मेंबर पर बैठ जाता था तो तकबीरें पढ़नी छोड़ देते थे। इसी तरह हदीस है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला की रवायत से बुखारी में हदीस है कि ईद के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में आते जाते अपना रास्ता तब्दील करते थे। और अय्यामे तशरीक में भी जैसे 11, 12, 13 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की रवायत है कि आप कसर से तकबीरात पुकारते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला बुखारी में रवायत करते हैं कि अय्यामे तशरीक अब वही दिन होंगे जो ईद का दिन और ईद से अगले दिन जो हैं उसमें, कि इनके तमाम दिनों में नमाजों के बाद अपने बिस्तर पर अपने खेमे में अपनी मजलिस में चलते फिरते तकबीरें कहा करते थे। असल में ये तकबीर क्या है,
ये अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है, और अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई के ऐलान के साथ साथ तकबीर पुकारने वाले को आजी और इनकसारी की तरबियत करता है। वैसे भी अल्लाह का हुक्म है ना, तज़्कुरुल्लाह का जिक्र आबाओ को मशद्दु ज़िक्रा, इन दिनों में जिक्र इलाही का तस्करा है, हुक्म है। ईद की नमाज के मसाइल, पहली बात कि ईद की नमाज से पहले आजान और अकामत नहीं पुकारी जाती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला की रवायत से मुस्लिम में हदीस है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दो नहीं कई मरतबा ईदैन की नमाज पढ़ी, लेकिन कभी भी आजान और अकामत नहीं पुकारी गई। इसी तरह हमें पता चलता है कि आप ईद की नमाज की दो रकतें अदा फरमाते थे। निसाई में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की रवायत से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईद उल अजहा की दो रकतें, ईद उल फितर की दो रकतें, मुसाफिर के नमाज की दो रकतें, जुम्मे के नमाज की दो रकतें, और ये मुकम्मल नमाज है, कम नहीं। गोया ईदैन में दो रकत नमाज अदा की जाती है, और ईद की नमाज ये दो रकतें अदा करने के बाद इमाम खुतबा इरशाद फरमाता है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला की रवायत से मुत्तफिकुन अलैह हदीस है कि आप नमाज ईद की दो रकतों के बाद खुतबा इरशाद फरमाते थे। इसी तरह नमाज ईद में जायद तकबीरें हैं, आम नमाजों के मुकाबले में तकबीरें जायद होती हैं, और ये जायद तकबीरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तकबीर पर हाथ उठाना और हाथ तकबीर के बाद हाथ बांधना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। मुसनद अहमद में हजरत बाइल बिन हजर रजी अल्लाह तआला की रवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर के साथ हाथ उठाते और फिर हाथ बांधते। और फिर यह भी याद रखिएगा कि ईद की नमाज से पहले और बाद में कोई नफल नहीं पढ़े जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। हालांकि हमें पता चलता है कि ये ईद की नमाज इशराक और चाश्त के दरमियान के वक्त में पढ़ी जाती है, लेकिन इशराक और चाश्त के नवाफिल के अलावा तहय्यतुल मस्जिद, तहय्यतुल वुजू और कोई नवाफिल नहीं पढ़े जाते। हदीस के अल्फाज मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला की रवायत से मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा और ईद उल फितर के रोज घर से निकलते, दो रकात नमाज अदा करते, इससे पहले और बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। तो गया पहले और बाद में कोई नवाफिल नहीं होंगे, ये तो ईद की नमाज का तरीका है। ईद की नमाज के बाद खुतबा देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उस खुतबे ही से नमाज की ईद की नमाज की तकमील होती है। जैसे जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज में जुमे का खुतबा जरूरी है, वैसे ही ईद की नमाज में ईद का खुतबा सुनना भी जरूरी है। और आप ये खुतबा मर्दों को भी देते थे, और वैसा अवकात जब आपको लगता था कि खवातीन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची तो आप उनको अलग से खुतबा इरशाद फरमाते। बुखारी में वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से वाक्य भी आते हैं, हम पढ़ चुके हैं पीछे कि आपने पहले मर्दों से खुतबा इरशाद किया और फिर आप मर्दों की सफ़ों में से निकल कर औरतों की तरफ आए, और आपके साथ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला थे। आपको लगा कि शायद औरतों को मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, आपने उनको नसीहत फरमाई और सदका खैरात देने का हुक्म दिया। तो रावी कहते हैं कि कोई औरत अपनी कान की बालियां और कोई अंगूठियां उस कपड़े में डालने लगी जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जमा किया था। गोया ईद की नमाज पर ख़वातीन, मदीना की ख़वातीन सदका खैरात भी करती हुई नज़र आ रही हैं। ईद की नमाज से फारिग होकर मुसलमानों का एक दूसरे को मिलना और दुआ देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुसाफा और मुआनका, हाथ मिलाना और गले मिलना, और साथ दुआ क्या दी जाती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हसन हदीस है कि हज़रत जुबैर फरमाते हैं कि सहाबा इकराम ईद के दिन आपस में मिलते तो एक दूसरे को तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, कि ये जो पीछे रमज़ान के अशरा ज़िलहज के इन दिनों के जो अमल गुजरे अल्लाह तुम्हारे भी कबूल कर ले और मेरे भी कबूल कर ले। इसी तरह ख़वातीन का, मुसलमान ख़वातीन का ईदगाह में जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को तो जो ताकीद करते थे
उसके साथ हमें पता चलता है कि आप खवातीन को भी ईदगाह में लाने की ताकीद करते थे, आप मर्दों को ताकीद करते थे कि अपनी खवातीन को ईदगाह में लाओ। और मुत्तफिक अलैह हदीस हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से आती है कि वो फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में दोनों ईदों में हम हैज़ और पर्दा नशीन वाली औरतें, यानी बापर्दा औरतें भी आती थी, हैज़ औरतें भी आती थी, कंवारी भी आती थी, जवान भी आती थी, हर किस्म की ख़वातीन जो है वो ईदगाह में हाजिर होती थी, लेकिन हैज़ औरतें नमाज की जगह से अलग रहती थी। लेकिन बहरहाल जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अपनी औरतों को अल्लाह के घरों में जाने से यानी मस्जिदों में जाने से ना रोको, और यहाँ पर ईदगाह में जाने की भी ताकीद है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि ईदगाह में और मस्जिद में ख़वातीन सिर्फ़ और सिर्फ तब जाएंगी अगर अल्लाह के बताए हुए हदूद और कयूद के मुताबिक जा सकती हैं, अल्लाह के बताए हुए ड्रेस कोड के मुताबिक। देखिए, हम हर जगह के ड्रेस कोड का एहतमाम करते हैं कि नहीं करते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि लोग किसी क्लब में जाने से पहले जिमखाना का ड्रेस कोड है, पंजाब क्लब का अपना ड्रेस कोड है, उन तमाम चीज़ों के ड्रेस कोड का एहतमाम रखा जाता है। ये अल्लाह के घर का एक ड्रेस कोड है, ये ईदगाह का एक ड्रेस कोड है, अगर उस ड्रेस कोड और उस कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक जा सकती हैं तो जाएं, वरना माशरे के अंदर फितना फसाद और बेहयाई और उरियानी फैलाने से गुरेज करना बेहतर है। अल्लाह ने मुसलमान खवातीन को ड्रेस कोड क्या दिया है? लिबास तकवा ज़ालिका खैर। अगर खवातीन इस्लाम मस्जिद में जाएंगी तो उनके लिबास बारीक नहीं होंगे, चुस्त नहीं होंगे, मर्दों से मुशाबहत और गैर कौमों से मुशाबहत और इसराफ और रिया और नमूदो नुमाइश वाले नहीं होंगे, और सातिर होंगे सबसे बढ़ के। आज ही आपने पढ़ा सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़ुहरा मिन्हा, सूरह हिजाब में अल्लाह ने फरमाया युदनीना अलैहिन्न मिन जिलाबीबिहिन्न, अगर इस ड्रेस कोड के मुताबिक ख़वातीन इस्लाम मस्जिद में या ईदगाह में जा सकती हैं तो भली जाएँ, लेकिन अगर इस ड्रेस कोड को अडॉप्ट नहीं कर सकती तो अपने जेवरात, अपने बनाओ, सिंगार दिखाकर, खुशबू की लपटें फैलाकर, बन ठन संवर के, अपना हुसन दिखाकर और अपनी जीनतें के जरिए मस्जिदों और ईदगाहों में फहाशी और उरियानी का फितना फैलाने के लिए अगर जाना तो उसे घर बैठी भली है। और ख़वातीन इस्लाम मस्जिद में तब जाएंगी जब ख़वातीन के लिए उनकी ईदगाह में या मस्जिद में अलग बंदोबस्त है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर उनके शौहर और उनके घर के कवाम मर्द उसकी इजाज़त देते हैं, अगर बेटियों के बाप या भाई या बीवियों के शौहर उनके ईदगाह में जाने पर राज़ी नहीं है तो ये चूंकि उनके लिए फरीज़ाए दीन नहीं है तो उनके लिए घर रुकना बेहतर है। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि जैसे जुम्मे की नमाज घर पर नहीं होती, घर पर अगर पढ़ी जाएगी तो वह ज़ोहर ही की नमाज़ पढ़ी जाएगी और जोहर ही की रकतों की शक्ल में अदा की जाएगी, तो इसी तरह ईदेन की नमाज भी घर पर नहीं होती। कुछ लोगों का यह तसव्वुर है कि उस वक्त अगर हम दो रकत खवातीन हम मिलकर वहां पे दो रकत पढ़ लेंगे तो वो ईदेन की नमाज की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा कोई तसव्वुर हदीस से साबित नहीं और ना ही सहाबियात ने या उम्मातुल मोमिनीन ने ऐसा कोई तरीका अपनाया। हाँ, चाश्त और इशराक के नवाफिल हैं, लेकिन अगर घर पर पढ़े जाएंगे तो ये इशाक और चाश्त के नवाफिल होंगे, वो ईदेन की नमाज की रिप्लेसमेंट नहीं होगी। और ईद की नमाज के हवाले से एक और चीज मैं जरूरी हाईलाइट करूंगी कि एक मिसकॉन्सेप्ट है कि वो ये कहा जाता है कि अगर ईद की नमाज या ईद का दिन जुम्मे के दिन आ जाए तो वह हाकिम वक्त पर बहुत भारी होता है, ऐसा कोई तसव्वुर हदीस से साबित नहीं है, कोई ऐसा तसव्वुर हदीस से साबित नहीं है, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि यह तो सरासर बदशगुनी और अहम का तसव्वुर है और अहम शिर्क है, ये जिप्त है और इसका कोई तसव्वुर शरीयत में साबित नहीं है। इसके बरखिलाफ वो सही हदीस के अल्फाज हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आज के दिन में दो ईद हैं, एक ईद और दूसरा जुम्मा, ये दोनों इकट्ठी हो गई हैं, जो चाहे इसके लिए जुमे के बदले ईद ही काफी है, लेकिन हम दोनों यानी जुमा और ईद दोनों अदा करेंगे। अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस से यह साबित हो रहा है कि अगर ईद के
दिन ही जुमे का दिन आ जाए तो हदीस के हवाले से शरीयत में ये ऑप्शन है कि जुमे की नमाज को छोड़ा जा सकता है, लेकिन आपने दोनों को पढ़ना मुस्तहिब करार दिया। ईद के दिन खुशी मनाने का तसव्वुर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से खेल तमाशा और खुशी मनाने की इजाज़त मौजूद है। बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से हदीस में वाक़या आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दाखिल हुए और मेरे पास दो छोटी बच्चियाँ दफ बजा के गा रही थी, और ये मिना के दिन थे यानी अयाम तशरीक के दिन है। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे वालिदा और दो बच्चियाँ दफ बजा के गा रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर कपड़ा ओढ़ के दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और वो उन लड़कियों को डांटने लगे कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनके हुजरे में तुम गा रही हो और ये क्या कर रही हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक से पर्दा उतार के, वो चादर उतार के फरमाया इनको छोड़ दो, ये ईद का दिन है, इनको छोड़ दो, ये ईद का दिन है। हज़रत आयशा फरमाती है कि ये मिना के दिन थे और लोग हाजी कंकरियां मारने के लिए मिदा में ठहरे हुए थे, और फिर हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि मुझे चादर से छुपाए हुए थे और मैं हबशियों की तरफ देख रही थी और मस्जिद में बच्चियों से खेल रहे थे, और हज़रत उमर फारूक ने इनको झिड़का तो आपने फरमाया इनको छोड़ दो, ये ईद का दिन है। तो गोया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने वो दफ बजा कर गाने वाली छोटी बच्चियों को मना किया तो आपने मना करने से रोका, और हज़रत उमर फारूक ने वो हबशी जो बर्चियों के साथ कुश्ती कर रहे थे और खेल रहे थे उनको हज़रत उमर ने मना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी खेल रोकने से मना करने पर आपने हज़रत उमर को मना कर दिया। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की इसी वाक़े के हवाले से एक और हदीस आती है, बुखारी में ही है कि मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दो लड़कियाँ जो थीं वो जंगे बुआस के गीत गा रही थीं, और आपने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा और आप कपड़ा लेकर लेट गए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए और मुझे झिड़का और मुझे क्या कहा, तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शैतान का बाजा क्यों लाई है, हाँ तू शैतान का बाजा क्यों लाई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनको छोड़ दो, इनका ईद का दिन है। फिर वही हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने फिर वो कुश्ती भी देखी। कोई याद रखिएगा कि हमारा दीन दीन फितरत है, बेजा की तंगी और सख्ती नहीं है, खेल तमाशा मज़ा ज़राफ़त दिल लगी एंटरटेनमेंट अगर वो जायज़ है हलाल है अल्लाह की हदूद और कयूद के मुताबिक है और फिर वो मुस्बित है पॉजिटिव है सेहत अफजा है और उसमें कोई फितना नहीं है और अल्लाह के हदूद से बड़ा हुआ कोई काम नहीं है तो ये दिल लगी के लिए जायज़ है, इसमें कोई मनाही नहीं है। बहरहाल कुछ लोग यहाँ से मौसीकी का तसव्वुर निकालते हैं, वो भी तसव्वुर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये काम हम सब के लिए मिलना मुलाना हंसना हंसाना खुशी करना ये तरीका ईद के दिनों में जायज़ है। और फिर बहरहाल ईद के दिनों में जो असल करने के काम ये कि ये ऑब्वियसली अयाम तशरीक होंगे, एक तो ज़ाहिर है 10 ज़िलहज को हम कल ही कुर्बानी के मसाइल पर बात करेंगे, कुर्बानी की जाएगी, पहले ईद की नमाज उस पर वजाहत से बात हुई, उसके बाद जायद हद तक खुशी मनाना और खेल तमाशा खाना पीना मेल मुलाकात रिश्तेदारों के साथ रहम के रिश्तों के साथ मुलाकात और दिल लगी और दिल बहलाने का तरीका अच्छा उम्दा लिबास पहनना जो अपने लिबास में से बेहतरीन है, और फिर इस दिन कुर्बानी करना ख़ुद भी गोश्त खाना और इसको तकसीम भी करना, इंशाल्लाह इस पर कल बात होगी। लेकिन इन दिनों में कसरत से ज़िक्र करना, कसरत से ज़िक्र करना क्योंकि ये अय्याम तशरीक के दिन है, और अय्याम तशरीक में कसरत से ज़िक्र करना, और फिर वही बात जो अल्लाह सुभान व तआला ने खुशी के मौके पर और नेमतों के मौके पर सूरह कौसर में फरमाई फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो फसवली के लिए तो नमाज ईद है, वनहर के लिए कुर्बानी भी है, लेकिन अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात करना, सदका फितर भी वही है, कुर्बानी के जानवर भी वही हैं, लेकिन अगर इसके किसी शख्स के पास इससे ज़्यादा है तो अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों हाजतमंदों को ज़रूर इन दिनों में देना, और कसरत से इन दिनों में ज़िक्र करना, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की वो सुन्नत दोहरा लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के बाद ईदगाह से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और आपने गली के कोने के ऊपर एक बच्चे को रोते हुए देखा, ये बच्चा गंदे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस था, पर आया अजनबी बच्चा है गंदे मैले कुचैले से कपड़े हैं लेकिन रो रहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को
आप मोहसिन इंसानियत है ना, और वक्त में बरकत भी कितनी है, दिल में नरमी भी कितनी है, दर्द दिल भी कितना है। रोते हुए अजनबी पराए बच्चे के पास से गुजर के नहीं जा सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ ले गए, आपने उसके रोने की वजह पूछी। पहले उसने बेइत्तनाई से सर झटक दिया, फिर जो उम्मत को ताकीद फरमाई थी कि जब कोई किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरता है उसके सर के बालों के बराबर गुनाह बख्श दिए जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दस्ते मुबारक शफकत से उस बच्चे के सर पर फेरा। और फिर जब उसको लम्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का महसूस हुआ और आपने चेहरा मुबारक देखा, तो पहचानने के बाद वो रोने लगा। उसने अपनी हकीकत हाल बयान की। बच्चे ने ये कहा कि मेरा वालिद फौत हो गया, मेरी माँ ने एक और शख्स के साथ निकाह कर लिया और मुझे अपने सौतेले बाप के घर ले गई, और कुछ देर मैं अपने बाप के घर रहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे निकाल दिया है, और अब ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना घर है, ना भाई बहन है, ना खाना है, ना पीना है। और फिर वो फूट फूट के रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अकदस के साथ लिपट गया। आप शफकत से उसके जिस्म पर हाथ फेर रहे थे और फरमा रहे थे, क्या तुम चाहोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप, आयशा सिद्दीका तुम्हारी माँ, और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने घर ले गए। उस बच्चे को आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मत की माँ, आपने फरमाया आयशा इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, और इसको अच्छा लिबास पहनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे और ये बच्चा वहीं पर ज़ेर कफालत रहा। जब आपकी वफ़ात का दिन था तो ये बच्चा रो रहा था और ये कह रहा था हाय मेरा बाप, हाय मेरा बाप। और इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने इस बच्चे की कफालत का ज़िम्मा लिया, और हमें पता चलता है कि बहुत बड़ा दीन का आलिम और बहुत बड़ा दीन का मुफ्ती हुआ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपना ईद का दिन हिरस हवस तमा लालच और खुदगर्जी से नहीं, हमें ये दिन ईसार इखलास खलूस खैरखाही और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये किताबुल ईदैन ईदैन का बयान, इसकी कुछ अहादीस आपकी किताब में हैं, इनको मैं पढ़ लूँ? ये बुनियादी तौर पर वही अहादीस हैं जो आप सुन चुकी हैं, इनको जल्दी से हम पढ़ लीजिए। बाब नंबर एक, ईद के दिन बर्छियों और ढालों से जिहादी मशकें करना। हदीस नंबर 527, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, उस वक्त मेरे पास दो लड़कियाँ बैठी थीं, ये जो आपने जंगे बुआस का मामला देखा। इसी तरह बाब नंबर दो, ईद उल फितर के दिन नमाज ईद के लिए निकलने से पहले कुछ खाना। हदीस नंबर 528, हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन जब तक चंद खजूरें तलावन नहीं फरमाते थे नमाज के लिए नहीं जाते थे, और आप ताक अदद में खजूरें खाते थे। बाब नंबर तीन, ईद उल जुहा के दिन खाना। हदीस नंबर 529, हज़रत बिरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि आज के दिन, इस दिन में पहला काम जो हम करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे। गोया आप खाना नहीं खाते थे, द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज नमाज पढ़ेंगे, और फिर वापस जाकर कुर्बानी करेंगे। तो जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके को पा लिया, गोया ये ईद का तरीका है। हदीस नंबर 530, हज़रत बिरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा में नमाज के बाद हमारे सामने खुतबा इरशाद फरमाया, तो कहा जो शख्स हमारे जैसी नमाज पढ़ेगा और हमारे जैसी कुर्बानी करेगा, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना है, तो उसका फरीज़ा पूरा हो गया। और जिसने नमाज से कबल कुर्बानी की तो वह नमाज से पहले होने की बिना पर कुर्बानी नहीं है। इस पर हज़रत बिरा रज़ी अल्लाह तआला के मामू अबू बरदा बिन नयार, इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपनी बकरी नमाज से पहले ज़िबा कर दी, क्योंकि मैंने समझा था कि आज खाने पीने का दिन है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मेरे घर में बकरी ज़िबा हो, इस बिना पर मैंने बकरी नमाज से पहले ज़िबा कर दी ताकि कुछ नाश्ता भी हो। आपने फरमाया तुम्हारी बकरी तो सिर्फ बकरी का गोश्त है या रसूल सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मेरे पास एक भेड़ का बकरा बच्चा है जो मुझे दो बकरियों से भी ज़्यादा अजीज़ है, तो क्या वो मेरी तरफ से काफ़ी होगा? आपने फरमाया हाँ, लेकिन तुम्हारे सवा किसी के लिए नहीं। तो गई ये पता चलता है कि नमाज में अब दो काम है करने के, एक नमाज पढ़ना और कुर्बानी करना। और ये कैसे करने हैं? सुन्नत के मुताबिक करने हैं। और कुर्बानी कैसे करनी है? नमाज के बाद करनी है। अगर पहले हो गई तो वह सदका है, वो कुर्बानी नहीं है। और अगर पहले कर ली तो दोबारा करनी है अगर इस्तेतात है, और दोबारा करने में अगर छोटा जानवर ही सिर्फ मौजूद है तो वो किया जा सकता है, लेकिन ये छोटा जानवर आम शख्स नहीं कर सकता। बाब नंबर चार, ईदगाह में मिंबर के बगैर जाना। हदीस नंबर 531,
अबू सईद खदरी रदी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन ईद का तशरीफ़ ले जाते हैं, तो पहले जो काम करते हैं वो नमाज, इससे फरागत के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते हैं, यानी मिंबर पर नहीं तशरीफ़ फरमा होते, खड़े हो जाते, लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, तब आप उन्हें नसीहत और तलकीन फरमाते और अच्छी बातों का हुक्म देते। फिर अगर आपको कोई लश्कर भेजना था तो तैयारी का हुक्म देते, और जिस काम का हुक्म देते फिर वो करके वापस लौटते, गोया जिहादी तंजीमें ईद के दिन भी लश्कर रवाना होते थे। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं यहाँ तक इसके बाद भी लोग ऐसा ही करते रहे, यहाँ तक कि मरवान के साथ ईद उल अज़हा या ईद उल फितर में गया तो उस वक्त वो मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह में पहुँचे तो एक मिंबर वहाँ रखा हुआ था, और मरवान ने अचानक चाहा कि नमाज पढ़ने से पहले उस पर चढ़े, तो मैंने उसका कपड़ा खींचा ताकि उसने मुझे झटक दिया और मिंबर पर फिर भी चढ़ गया। फिर उसने नमाज से पहले खुतबा दिया तो मैंने कहा अल्लाह की कसम तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया है। उसने कहा अबू सईद खुदरी वो बात जाती रही है जो तुम जानते हो। मैंने कहा कसम मैं जानता हूँ उस बात से बेहतर है जिसे मैं नहीं जानता। इस पर मरवान ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हमारा खुतबा नमाज के बाद इसलिए नहीं होता कि लोग बैठते नहीं। गोया मरवान ने पहले खुतबा इसलिए दिया कि नमाज से पहले खुतबा होगा तो लोग सुनेंगे, बाद में नमाज के लोग नहीं बैठेंगे। बाब नंबर 5 से ये भी पता चलता है कि किसी हाकिम को उसके गलत काम पर और गैर मसनून काम पर रोका टोका जा सकता है, और आज़ादी राय पता चल रही है कि कितनी आज़ादी स्पीच है। बाब नंबर 5 ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और खुतबे से पहले नमाज अदा करना। हदीस नंबर 532 इब्ने अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ना ईद की अजान होती थी और ना ही अकामत। बाब नंबर 6 नमाज ईद के बाद खुतबा। हदीस नंबर 533 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया मैंने ईद की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, और ये सब नमाज पहले और खुतबा बाद में करते थे। बाब नंबर 7 अयाम तशरीक में इबादत करने की फजीलत। हदीस नंबर 534 इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि किसी और दिन की इबादत इन 10 दिनों में इबादत से अफजल नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया क्या जिहाद से भी? आपने फरमाया जिहाद भी नहीं, हाँ वो शख्स जो जिहाद में अपनी जान और माल को ख़तरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज़ लेकर वापस ना लौटे। बाब नंबर 8 अयाम मिना और मैदान अरफात में जाते हुए तकबीरें कहना। हदीस नंबर 535 अनस रज़ी से रवायत है कि उनसे लब्बैक पुकारने के बारे में पूछा गया कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो क्या किया जाता था, तो उन्होंने फरमाया कि लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता था, उसे मना नहीं किया जाता था, और तकबीरें कहने वाला तकबीरें कहता था, और उस पर कोई एतराज़ नहीं होता था। गोया हाजी दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं, हमें क्या पढ़ना है, हमें तकबीरात पढ़नी है। बाब नंबर 9 कुर्बानी के दिन ईदगाह में ऊँट या कोई जानवर ज़िबह करना। हदीस नंबर 536 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट या किसी जानवर की कुर्बानी ईदगाह में करते थे। आपने 63 ऊँट अपने हाथ से और 37 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से ज़िबह करवाए थे। बाब नंबर 10 ईद के दिन वापसी पर रास्ता बदलना। हदीस नंबर 537 जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता तब्दील करते थे, यानी वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। और हदीस नंबर 538 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हबशियों के बारे में वो हदीस बताती हैं कि मैंने उनका खेल देखा और हज़रत उमर ने उनको झिड़का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं इनको रहने दो और तुम आराम और सुकून से खेलो। तो गए वो तमाम अहदीस थी जो आपकी किताब में मौजूद थी इन वजाहत पर जो हमने ईदैन के हवाले से की और ईद के दिन के हवाले से की। अल्लाह सुबहाना ताला इस ईद के इन ईद के दिनों को हम सब के लिए बख्शिश और रहमत का ज़रिया बनाना, हम सब के अमल हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाना, और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को वाकई हमारी तरबियत और तकवा में इजाफे का ज़रिया बनाना।